Hello guys, good morning to everybody. Good morning to another awesome session on current affairs, guys. This session is so much useful for you guys ki you just can't imagine. Aapko iska importance aur is session ka jo importance hai, you will understand this once you give your attempt. Tab tak aapko ye samajh mein nahi aayega, theek hai? To 2020 ke prelim ka main bahut eagerly wait kar raha hu because वो प्रीलिम में आपको बता देगी कि यस व्हाट एवर यू स्टडीड इन माय क्लासेस एट 11:15 एज वेल एज अन एकेडमी एंड द टेस्ट दैट यू गेव दे आर सो क्रूशियल फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स पर्टिकुलरली. ओके फाइन क्लियर. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा रिचुअल. लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. एंड व्हाट इज द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म? एवरीबॉडी नोज दैट इट इज अन अकेडमी. An Academy is the India's largest learning platform. Okay, this is about me, guys. You know about me. An Academy. We are conducting daily live classes on An Academy. In my case, I am conducting my daily live class at 8 a.m. It is daily, guys. Not a single holiday. Structured courses are available on An Academy, particularly Plus platform. पे structured courses available है. Live test and quiz भी मैं हम conduct करते हैं An Academy पे. In my case, I am conducting a live test tomorrow at 8 a.m. So everybody should join me at 8 a.m. tomorrow for our live test. Okay, clear? Now this daily live classes and the live test and quiz, this is in unlimited access. मतलब यहाँ पे आपको ये सब record हो जाता है, तो इसका आपको unlimited access मिल जाता है. Fine. Then India's top educators will help you to crack UPSC, CSE. एंड दी सब्जेक्ट्स यू कैन सी. सारे सब्जेक्ट से प्रीलिम्स का प्रिपरेशन होता है, मेंस का प्रिपरेशन होता है, इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन आपका अन अकेडमी से ही हो जाएगा. फाइन. नाउ दी सब्सक्रिप्शन पार्ट गाइज, इफ यू कंपेयर दी सब्सक्रिप्शन ऑफ यूपीएससी सीएससी ऑफ अन अकेडमी ऑफ 12 मंथ और इवन 24 मंथ, इट इज 44,000 रुपीज. एंड इफ यू यूज दिस कोड एस के यू एस, अगर आप ये कोड यूज करोगे एस के यू एस, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आप पे करोगे सिर्फ 39,600. आप ऑफलाइन क्लासेस में 1.5 लाख पे करते हो सिर्फ जीएस के लिए. यहाँ पे आपको 39,600 12 मंथ के लिए और 57,600 24 मंथ के लिए. इसमें आपका ऑप्शनल भी हो रहा है, जीएस भी हो रहा है, इंटरव्यू भी हो रहा है, मेंस सब कुछ हो रहा है इतने कम पैसे में. एक साल के लिए 39,000, दो साल के लिए सिर्फ 57,000 गाइज. ओके क्लियर. सो दिस इज ऑल. अब हम जा रहे हैं 16 जुलाई 2020 के एक न्यूज पे. न्यूज थी इंडिजिनस बग्स हेल्प टैकल इनवेजिव पेस्ट, ये न्यूज थी. ओके गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी. गुड मॉर्निंग गाइज, एवरीबडी गुड मॉर्निंग. यस आई कैन सी यू गाइज. नमस्ते, सुप्रभातम, जय हिंद, नमस्कारम. ओके चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे देखिए ये न्यूज थी. आई एम क्लोजिंग डाउन लाइव चैट. I'm closing down live chat. Indigenous bugs help tackle invasive pests. तो यहाँ पे हमारे लिए पहला पॉइंट आता है indigenous bug. Indigenous is word का मीनिंग होता है जो सिर्फ इंडिया में मिलता है, which is in India. It's not like endemic is different, indigenous is different. Fine. Endemic के लिए हम term use करते हैं जोग्राफिकल लोकेशन जो होता है ना, जोग्राफिकल एक्सटेंट की जब बात आती है तो दैट टाइम वी यूज द टर्म एंडेमिक. एंड व्हेन इट कम्स टू द कंट्री, क्योंकि इंडिया एक कंट्री है लेकिन इट इज आल्सो पार्ट ऑफ जोग्राफी, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इंडिजिनस. ये इंडिजिनस एंडेमिक टू इंडिया भी हो सकते हैं, नॉट ऑलवेज. फाइन. तो इंडिया में एक पेस्ट है जिसका नाम है वुली व्हाइट फ्लाई. पेस्ट का नाम क्या है? वुली व्हाइट फ्लाई. ये नॉर्मली फ्रूट्स को इन्फेक्ट करती है, ठीक है. अब इस वुली व्हाइट फ्लाई को दो लेडी बर्ड बीटेल, ये दो इंसेक्ट्स है या बग्स है, दे ईट दिस वुली व्हाइट फ्लाई. तो मतलब आपको इस वुली व्हाइट फ्लाई के साथ डील करने के लिए नो नीड टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स. व्हाट यू कैन सिंपली डू, जस्ट अलाउ द ग्रोथ ऑफ दीज लेडी बीटल बर्ड्स. और अगर आपके एरिया में ये नहीं है तो जस्ट ब्रिंग देम इन टू योर फार्म एंड अलाउ देम टू ग्रो, दे विल ईट ऑल दीज वुली व्हाइट फ्लाई. तो इसे हम कहते हैं दीज टू लेडी बर्ड बीटल्स, दे एक्ट एज बायो पेस्टिसाइड्स.
अगेंस्ट वूली व्हाइट फ्लाई, दे एक्ट एज बायोपेस्टिसाइड अगेंस्ट वूली व्हाइट फ्लाई। इस स्लाइड से आपको यही याद रखना है, वूली व्हाइट फ्लाई इज अ पेस्ट ऑन फ्रूट्स, इट इज अ पेस्ट ऑन फ्रूट्स। लेडी बर्ड बीटल्स, इट इज अ बायोपेस्टिसाइड विच ईट्स वूली व्हाइट फ्लाई। ओके दैट्स इट। यहाँ आप देख सकते हो, दिस लेडी बर्ड बीटल्स कैन बी यूज्ड एज बायोलॉजिकल वेपन अगेंस्ट दिस वूली व्हाइट फ्लाई। फाइन, नाउ हियर ये डाटा है, ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, दिस पेस्ट डैमेज 30 to 35% ऑफ क्रॉप्स इन द कंट्री एनुअली, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस ओनली। जब आप एग्रीकल्चर का आंसर लिखोगे ना, वेन एवर यू आर राइटिंग द आंसर ऑफ एग्रीकल्चर इन GS पेपर 3, तो उस टाइम यू शुड यूज दिस कंटेंट, इन केस यू आर इफ यू आर अपीयरिंग फॉर 2020 अगर आपको अपियर करना है, तो उस केस में क्या करना है आपको, उस केस में क्या करना है, ये डाटा याद रखना है। दिस इज हाउ यू कलेक्ट डाटा फॉर मेंस, आपके मेंस के आंसर राइटिंग के लिए ये यूजफुल है। ओके सेकंड, देखिए हमारे इंडिया में 118 एग्जॉटिक पेस्ट मिलती है जो अलग अलग क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करती है। यहाँ पे एग्जॉटिक का मीनिंग होता है जो दूसरे कंट्रीज से इंडिया में आई है, ठीक है। तो ये पेस्ट हमारे इंडिया में मिलते, उसमें से ये जो वूली व्हाइट फ्लाई है, ये सबसे पहले हमें मिला था जमैका इन 1896। ये आपका सेंट्रल अमेरिका में आएगा या कैरिबियन में आएगा, जमैका 1896 में सबसे पहले वो वूली व्हाइट फ्लाई मिला था, और उसके बाद ये हमें फ्लोरिडा यूएसए में मिला 1909 में, एंड इट इज 2020 वी कैन फाइंड दिस वूली व्हाइट फ्लाई इन इंडिया ऑल्सो, इट इज प्रेजेंट इन इंडिया ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, दिस वूली व्हाइट फ्लाई इट इज अ एग्जॉटिक स्पीसीज, मीन्स इट इज नॉट नेटिव टू इंडिया, इट इज नॉट नेटिव टू इंडिया। क्लियर, अंडरस्टूड? यस राजवर्धन, ठीक है, सबको समझ में आ गया। नाउ आई ओपन द लाइव चैट, आई विल जस्ट चेक इट आउट इफ यू हैव एनी डाउट सो आई कैन गो अहेड। नमस्ते इंद्रजीत, विच ऑप्शनल सब्जेक्ट इज गुड फॉर CSE? सनी गुप्ता, फॉर दैट यू नीड टू मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर क्लास के एंड में मिल जाएगा। हाँ पोलमी रॉय, इंडिजिनस का मीनिंग होता है विच कैन बी फाउंड इन इंडिया। ओके, जीके याद रहना चाहिए CSE एग्जाम में। नो, जीके इज नॉट इम्पॉर्टेंट ऋषभ, वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। यस रोहित कुमार, करेक्ट, हैप्पी इमोजी डे ऋषभ, फाइन। ओके राजवर्धन, यू ज्वाइंड लेट, मे बी दैट्स वाई। नाउ वी आर गोइंग अहेड, तो इस स्लाइड से आपको क्या क्या याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू रिमेम्बर फॉर योर मेन्स प्रिपरेशन, ये वाला जो पॉइंट है ये मेन्स के लिए याद रखना है, और ये जस्ट आपका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, नो नीड टू रिमेम्बर एनीथिंग। सिर्फ आपको यहाँ पे मीनिंग याद रखनी है एक्सोटिक का, एक्सोटिक मीन्स इम्पोर्टेड, एक्सोटिक मीन्स नॉट नेटिव, एक्सोटिक मीन्स नॉट नेटिव, फाइन। जैसे आप यहाँ देखिए, ये वूली व्हाइट फ्लाई कहाँ मिल रहा है, इट इज यू कैन फाइंड इट इन इंडिया, बट ये एक्चुअली कहाँ से है, जमैका से है, दैट इज अमेरिकन कॉन्टिनेंट से। नेक्स्ट स्लाइड, अब यहाँ पे देखिए कुछ टर्म्स है, ये जो वूली व्हाइट फ्लाई है, दिस इज द साइंटिफिक नेम, नॉट इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल इसे याद नहीं रखना, जस्ट रीड इट, दैट्स इट। पहला तो ये इन्वेजिव है, मोस्ट ऑफ द एग्जॉटिक स्पीसीज आर इन्वेजिव। मैं दोनों का मीनिंग आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये पहले तो इन्वेजिव है, और दूसरा इट इज पॉलीफेगस। नाउ यू नीड टू रिमेम्बर द मीनिंग ऑफ पॉलीफेगस गाइज, पॉलीफेगस का आपको मीनिंग याद रखना पड़ेगा, इट मीन्स इट कैन ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, मतलब इसका एक सिंगल फूड नहीं होता, इट कैन ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। ये अब कैसे होता है, देखिए देर आर सम इंसेक्ट्स विच, जैसे पिंक बॉलवर्म है, पिंक बॉलवर्म कौन से क्रॉप पे आता है? यस गाइज प्लीज आंसर इन द लाइव चैट, आई विल बी बैक इन द लाइव चैट विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो पॉलीफेगस का मीनिंग क्या होता है, ऐसे इंसेक्ट जो डिफरेंट काइंड और वराइटी ऑफ फूड ईट करते हैं, डिफरेंट काइंड और वराइटी ऑफ फूड ईट करते हैं, उन्हें पॉलीफेगस कहते हैं। अब मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन पिंक बॉलवर्म का, ओके लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर। हेलो आयुष रावत, कैसे हो आप आयुष, और कहां से आओ? ओके यस रोहित कुमार, यू आर करेक्ट। ओके यस यस, सेकंड पॉइंट, इफ यू आई कांट अंडरस्टैंड सर सेकंड पॉइंट, नो नो सेकंड पॉइंट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, वो सब फैक्ट है आयुष सिंह तोमर, दैट इज अ फैक्ट आयुष सिंह तोमर, दैट इज सिंपली अ फैक्ट। हमें ये सबसे पहले कहां पे मिला था, जमैका में, उसके बाद ये फ्लोरिडा यूएसए में मिला, और अभी इंडिया में भी मिलता है। ओके
वेरी गुड वेरी गुड। पिंक बॉल वर्म, अपूर्व राव एंड स्टोन कोल्ड ने आंसर दिया। पिंक बॉल वर्म ये जो वर्म है, यू कैन फाइंड दिस इन ऑन कॉटन। तो ये कॉटन के अलावा किसी और प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। दिस पिंक बॉल वर्म, उसका नाम ही बॉल वर्म है, तो वो सिर्फ कॉटन के जो रॉ बॉल्स होते हैं, ग्रीन बॉल्स होते हैं, उन्हीं को इन्फेक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पिंक बॉल वर्म इज नॉट पॉलीफेगस। पिंक बॉल वर्म इज नॉट पॉलीफेगस क्योंकि वो सिर्फ एक ही प्लांट पे फूड के लिए डिपेंड है। इंस्टेड ये जो आपका व्हाइट फ्लाई है, इट इज अ पॉलीफेगस। इसे अगर सपोज एक फ्रूट नहीं मिला तो दूसरे फ्रूट को इन्फेक्ट करेगा। क्लियर, अंडरस्टूड पॉलीफेगस का मीनिंग सभी को समझ में आ गया? प्लीज लेट मी नो इन द लाइव चैट, आई एम गोइंग अहेड। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट से आपने समझा कि ये जो वूली व्हाइट फ्लाई है, इट इज इन्वेसिव, इट इज एक्सोटिक एंड इट इज पॉलीफेगस, मतलब इट कैन अटैक डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स। देर आर सम इंसेक्ट्स विच नॉर्मली अटैक और इन्फेक्ट ओनली अ पर्टिकुलर क्रॉप, दैट इज नॉट द केस विद दिस व्हाइट वूली व्हाइट फ्लाई। फाइन, क्लियर, हाय शशिकांत। अब हम आते हैं नेक्स्ट। देखिए ये जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR ने हमें ये बताया। अब ये क्या है, व्हाइट वूली व्हाइट फ्लाई इज अ एक्सोटिक स्पीसीज, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज इंपोर्टेड। तो अगर ये पहले कैरेबियन में मिलती थी तो इंडिया में कहां से आ गई? तो ICAR ने बताया इसके ये हमने कुछ सीडलिंग्स लाए थे अलग अलग प्लांट्स के कैरेबियन आइसलैंड से, इन सीडलिंग के साथ ये पेस्ट हमारे इंडिया में आई, तो ये क्या हुई, इंपोर्टेड हुई, सीडलिंग्स के साथ ये आई है। ठीक है, क्लियर। सो दिस इज अबाउट दी वूली व्हाइट फ्लाई। नाउ यहां पे देखिए, रिमेंबर इनवेजिव स्पीसीज, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द इनवेजिव और एक्सोटिक वीड दैट इज क्रिएटिंग हैवॉक फॉर द फार्मर्स? Iron girl, that will be explained, don't worry about that. Vaishali Sajdeva, it will be explained, just wait for a while. Okay? So, ye jo invasive, please tell me the name of the weed that is breaking havoc on Indian farmers, which is exotic or invasive species. Okay? Ab dekhiye, ye jo invasive ya exotic species hoti, ye kya karti hai? Jaise, suppose, ye aapka America hai. Theek hai? Is America mein ek species milti hai. हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसका नाम है पार्थेनियम, नो नॉट लोक्यूस्ट, सीडलिंग मतलब स्मॉल प्लांट्स, नो नो नो, लोक्यूस्ट इज इनवेसिव बट यस इट इज ब्रेकिंग हैवॉक, करेक्ट, यू आर करेक्ट, बट लोक्यूस्ट रेगुलरली विजिट करती है इंडिया को, हमें इंडिया में भी मिलता है लोक्यूस्ट। पार्थेनियम जिसे आप गांजर घास कहते हो, गांजर घास जिसे कहते हो, ये पार्थेनियम है बेसिकली मेक्सिको या अमेरिका से, अमेरिका से ये इंडिया में आया विथ वीट सीड्स। अब इंडिया में ये बहुत एग्रेसिवली ग्रो करता है, इट इज गोइंग एग्रेसिवली। आप, मैं खुद मेरे विलेज में रहता हूं, मैं जब मेरे चाइल्डहुड में हमारे फार्म में जो बॉर्डर होती ना दो फार्म के बीच में, हम उसे मराठी में धुरा कहते हैं, तो उसपे नॉर्मली ग्रास ग्रो होता था एंड दैट ग्रास इज ईडिबल, मतलब जो एनिमल्स है वो इस ग्रास को ईट करते थे। अभी वहां पे ग्रास नहीं ग्रो होता है, उन सब जगह पे ये पार्थेनियम ग्रो होता है, या गांजर घास कहते हैं, या कांग्रेस ग्रास भी कहा जाता है इसको। तो ये क्या हुआ, इन्वेजिव हुआ, मतलब इसने क्या किया कि ये हमने अमेरिका से इम्पोर्ट हो गई हमारे यहाँ पे, एंड उसने सारी नेटिव स्पीसीज को किल कर दिया, मतलब नेटिव स्पीसीज को वो ग्रो ही नहीं होने दे रहा, वो खुद ही ग्रो हो रहा है, इसे कहते हैं इन्वेजिव। ठीक है, अब ये जो इन्वेजिव स्पीसीज होती है, यस राजवर्धन वरेकर ने बहुत परफेक्ट आंसर दिया है, प्लीज रीड इट। ये जो इन्वेजिव स्पीसीज होती है, दे आर अ प्रॉब्लम इकोनॉमिकली, क्योंकि अब जैसे पार्थेनियम का मैंने एग्जांपल दिया, पहले एनिमल हस्बेंड्री सिंपल थी क्योंकि जो अलग अलग रीजन है फार्म के अराउंड, वहां पे आपको ग्रास मिल जाता था, अब नहीं मिल रहा है, तो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटली इट इज अ प्रॉब्लम, इट इज These invasive species, they are the threat to biodiversity. Invasive species is a threat to biodiversity, guys. Yes or no? होता है या नहीं? क्योंकि वो अकेली ही ग्रो हो रही है, वो बाकी किसी प्लांट को ग्रो होने ही नहीं दे रही है. ओके, अलीशा अंगिक, मैं आपको शो करूंगा पार्थिनियम, इसे हिंदी में गांजर घास कहते हैं, ऐसी कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं. ओके, थ्रेट टू, इट इज अ थ्रेट टू
यस करेक्ट, स्टोन कोड आपने तो बहुत डिटेल में पढ़ लिया शायद। हाँ तो इट इज अ थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी ऑल्सो, इट इज अ थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी एज वेल, क्लियर। सो दैट्स वाई वेन एवर वी वॉन्ट टू मैनेज एक्सॉटिक पेस्ट और एक्सॉटिक स्पीसीज दैट सोल्यूशन शुड बी इकोनॉमिकली वायबल एंड दैट सोल्यूशन शुड बी एनवायरमेंटली साउंड। इट शुड बी इकोनॉमिकली वायबल एंड एनवायरमेंटली साउंड, क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आ गया सभी को गाइस? यस। तो ये हो गया, इस स्लाइड से आपको इतना याद रखना है, वेन एवर वी आर प्लानिंग टू मैनेज एग्जॉटिक पेस्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट द सोल्यूशन इज इकोनॉमिकली वायबल एंड एनवायरमेंटली साउंड। नेक्स्ट है, यहाँ आप देख लीजिए, इट इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट बट जस्ट इट वॉज इन न्यूज, सो आपको ये याद रखना पड़ेगा इनकेस अगर स्टेटमेंट में आ गया प्रिलिम्स में। ये जो लेडी बर्ड बीटल है इसके लाइफ की फोर स्टेजेस है, देर आर फोर स्टेजेस ऑफ लेडी बर्ड बीटल्स लाइफ, एग, ग्रब, प्यूपा एंड अडल्ट, ठीक है, और इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है जस्ट 30 to 40 days में, ओनली 30 to 40 days में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है गाइस, ओके। अब ये ग्रब क्या होता है, प्यूपा, अडल्ट, आपको कोई जरूरत नहीं है उसकी उतने डिटेल में जाने की, ठीक है, अंडरस्टूड। उसके बाद या आप देख सकते हो ये जो बग्स है, ये बग्स ग्रब इस स्टेज के बियॉन्ड उस व्हाइट फ्लाई पे फीड होते हैं। ग्रब, प्यूपा या अडल्ट क्या होता है, इट ग्रोज और इट ईट्स द व्हाइट फ्लाई, इस वर्म को वो ईट कर लेता है, क्लियर, अंडरस्टूड। तो दिस इज द लेडी बर्ड बीटल, प्लीज सी, और ये देखिए इस ये लेडी बर्ड बीटल इसे ईट कर देगा, इट विल ईट दिस वर्म, फाइन, लेडी बर्ड बीटल। अब देखिए लेडी बर्ड बीटल में पहला पॉइंट आपको याद रखना है, दे आर ऑल्सो नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका एंड ब्रिटेन, ओके। अब यहाँ पे ये पॉइंट आपको प्रिलिम्स के लिए याद रखना है, दीज इंसेक्ट्स आर नॉट क्लासिफाइड एज ट्रू बग्स, लेडी बर्ड बीटल्स आर नॉट क्लासिफाइड एज ट्रू बग्स, जस्ट रिमेम्बर दिस एज अ फैक्ट, ओके, फाइन, क्लियर। नेक्स्ट, अब ये जो देखिए मोस्ट ऑफ द लेडी बर्ड बीटल या लेडी बर्ड बीटल जिस फैमिली को बिलोंग करती है, दिस इज द फैमिली, नो नीड टू रिमेम्बर द नेम ऑफ द फैमिली, yes, most of the ladybird beetle, they are useful insects. They are useful insects. अभी तो हमने उसका एक use देखा ना, this ladybird beetle can be used to control the pest on fruits, that is woolly white fly. तो ये useful है, ठीक है? और क्यों useful है? Because they prey on herbivores. Herbivores का meaning क्या होता है? Please answer me. What is the meaning of herbivorous guys? ओके, सो ये लेडी बर्ड बीटल जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं, इस फैमिली में जितने इंसेक्ट है दे आर मोस्टली यूजफुल बिकॉज वो हर्बीवोरस को ईट करते हैं, दे ईट हर्बीवोरस बग्स। अब हर्बीवोरस का मीनिंग आई एम वेटिंग फॉर यू योर आंसर इन द लाइव चैट, ओके। दूसरा पॉइंट यहां पे देखिए, हमने पढ़ा था कौन से फंगस के बारे में पढ़ा था गाइज, What which fungus we discussed in the previous current affairs guys? मैंने आपको बोला था eat plants, who eats only plant? Correct. Jayesh, Aditi, yes, Apurva, Gagan, Ayush, right. तो herbivorous मतलब वो जो plant के leaves को eat करते या plants को eat करते है ना, तो उनको ही ये eat करते, कौन? लेडी बर्ड बीटेल herbivorous bugs को eat करते है, वाइट फ्लाई जो है woolly white fly, it is herbivorous. तो उनको ये ईट कर देगी, और मोस्ट ऑफ द हर्बीवोरस जो होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द हर्बीवोरस दे एक्ट एज पेस्ट, दे एक्ट एज पेस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि दिस लेडी बर्ड बीटल और जिस फैमिली को ये बिलोंग करते दे आर वेरी यूजफुल इंसेक्ट्स, दे आर वेरी यूजफुल इंसेक्ट्स, करेक्ट, यस। उस फंगस को हमने डिस्कस किया था, झोंबी फंगस, बेसिकली ये फंगस क्या करते हैं, इसके स्पोर्स होते हैं एयर्स में और सॉइल में, दीज स्पोर्स आर प्रेजेंट इन द एयर और सॉइल, ये स्पोर्स एंटर करते हैं इंसेक्ट की बॉडी में एंड देन उन स्पोर्स से क्या होता है, इस इंसेक्ट की बॉडी में एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो होना स्टार्ट होता है। एक पॉइंट के बाद ये फंगस क्या करती है, इस इंसेक्ट को किल करती है और उसके हेड और थोरैक्स से बाहर निकल कर आती है। उसी तरह ये जो आपकी लेडी बग्स है, दे ले देयर एग्स डायरेक्टली इन अ फीड, मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं हर्बीवोरस,
ये जो अफीड है डायरेक्ट इनके बॉडी में वो लेडी बीटल, लेडी बर्ड बीटल एग्स ले करती है. इट लेज एग्स डायरेक्टली इनटू द बॉडी ऑफ अफीड्स. ओके, और जब ये एग्स ले करती है अफीड के बॉडी में, तो अब क्यों ले करती है? क्योंकि उसका जो लार्वा है उसे इमीडिएटली फूड मिल जाए. दैट्स व्हाई दिस लेडी बर्ड बीटल आर यूजफुल एज पेस्टिसाइड और बायो पेस्टिसाइड. दिस इज द अफीड. ये अफीड भी क्या है? इट इज अ हर्बीवोर. ये भी हर्बीवोरस है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये अफीड्स है. ठीक है, दे विल ईट द प्लांट. और इन अफीड के बॉडी में लेडी बर्ड बीटेल क्या करती है? एग्स ले करती है. कितनी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, आपको ऐसा नहीं लग रहा? सच अ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग. व्हाट अ ब्यूटीफुल नेचर इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट नेचर हैथ डिड. और इसी को हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्लोर करके वी आर यूजिंग नेचर फॉर अवर ओन बेनिफिट्स गाइस. यस और नो? तो देखिए, याद रखिए, लाइफ में अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो यू नीड नॉट टू वरी, आपको उस प्रॉब्लम में से ही सॉल्यूशन मिलेगा. जैसे यहाँ पे देखिए, हमने लेडी बर्ड बीटल ये सॉल्यूशन दिया, लेकिन वो हमें कहाँ से मिला? नेचर से ही मिला है. ठीक है, नेचर हैज दी सॉल्यूशंस टू ईच एंड एवरी प्रॉब्लम. फाइन, तो ये अफीड्स हो गए. दैट्स इट अबाउट द लेडी बर्ड बीटल. दैट्स इट अबाउट द लेडी बर्ड बीटल गाइस. क्लियर? वी आर गोइंग नेक्स्ट. अब देखिए, दिस इज वुडी व्हाइट फ्लाई, जिसकी हम बात कर रहे थे ना. दिस इज द पेस्ट, दिस इज द पेस्ट. ये एक्चुअली इट लुक्स लाइक दिस. और यही इमेज आपको द हिंदू में भी मिलेगी. द सेम इमेज वॉज प्रेजेंट इन द हिंदू. यस और नो? प्रार्थना गौर, आप हरियाणा के ब्राह्मण हो या यूपी के? प्रार्थना गौर, गौर दिस इज अ गोत्र ऑफ ब्राह्मण, करेक्ट? फाइन, तो दिस इज हाउ दिस वुडी व्हाइट फ्लाई विल लुक लाइक, विच मेनली इन्फेक्ट्स होम. वुडी व्हाइट फ्लाई मेनली किसे इन्फेक्ट करता है? गाइज प्लीज आंसर मी इन द लाइव चैट, टिल दैट टाइम आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. फाइन, अब हम आते हैं वुडी व्हाइट फ्लाई पे. आपको लेडी बर्ड बीटल समझ में आ गया सभी को? लेडी बर्ड बीटल इज नोन टू एवरीबडी नाउ, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट. मोस्ट ऑफ द लेडी बर्ड बीटल क्या है? हमें यूजफुल है. और ये क्या करती है? इंसेक्ट के बॉडी में ही एग्स ले करती है, लेडी बर्ड बीटल. एंड आपको प्रिलिम के लिए क्या याद रखना है? यू नीड टू रिमेम्बर दैट दिस लेडी बर्ड बीटल, नो नो नो, दे डोंट लिव इन द वुड, दे लिव इन ऑन द लाइक वो रहते हैं आपके फ्रूट्स पे. पोल मी, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पेस्ट विच इन्फेक्ट्स द फ्रूट्स और फ्रूट विच इज अ एग्रीकल्चरल क्रॉप. ये व्हाइट फ्लाई देखिए, ये दे नॉर्मली फीड ऑन द व्हाइट फ्लाई, वुडी व्हाइट फ्लाई दे टिपिकली फीड ऑन द अंडर साइड ऑफ प्लांट लीव्स. मैंने आपको शो किए थे वुडी व्हाइट फ्लाई, द अंडर साइड ऑफ द प्लांट लीव्स मेनली ये किसे इन्फेक्ट करते हैं? दे मेनली इन्फेक्ट द फ्रूट प्लांट्स, दे मेनली इन्फेक्ट द फ्रूट प्लांट्स. क्लियर? वुडी व्हाइट फ्लाई. अब ये सब हो गया आपका बेसिक, बेसिक हो गया. ठीक है, चलो बताइए मुझे, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ वन बाय वन. विल गो थ्रू द क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन आपके लिए गाइज, मैं आपके लाइव चैट में आंसर का वेट करूंगा. ओके, आई विल वेट फॉर योर आंसर. पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है कि वुडी व्हाइट फ्लाई कौन से क्रॉप्स को मेनली इन्फेक्ट करता है? वुडी व्हाइट फ्लाई मेनली इन्फेक्ट विच क्रॉप्स? प्लीज आंसर इन द लाइव चैट गाइज. ओके, वन बाय वन मैं क्वेश्चन पूछते जाऊंगा, आप आंसर करते जाइए. फाइन, इट इन्फेक्ट्स फ्रूट्स, वेरी गुड, इट इन्फेक्ट्स द फ्रूट्स. सेकेंड, वुडी व्हाइट फ्लाई को कौन ईट करता है? हु ईट्स द वुडी व्हाइट फ्लाई? थर्ड क्वेश्चन, ओके, इट इज फ्रूट्स. आयुष सिंह तोमर, इट इज फ्रूट. गुड मॉर्निंग अमन. थर्ड क्वेश्चन है आपको, ये जो आपका लेडी बर्ड बीटल है, सॉरी व्हाइट फ्लाई, इट इज पॉलीफेगस, यस और नो? एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीफेगस? यस, करेक्ट अपूर्वा राव, करेक्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीफेगस? दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन. ओके, दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस दैट यू शुड बी एबल टू आंसर फ्रॉम दीज स्लाइड्स. नाउ वी आर गोइंग टू द ICAR, बिकॉज ICAR ये क्या है? इंस्टीट्यूट है विच वॉज इन न्यूज, जो काज की न्यूज़पेपर में था. तो वी विल डिस्कस अबाउट द ICAR. पहला पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है, इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन. ICAR इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, यू नीड टू रिमेम्बर दिस.
और ये बहुत कॉमन है कि इट विल फॉल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, इट फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। रिमेंबर इट इज ऑटोनॉमस, दिस कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ICAR इज ऑटोनॉमस। देखिए इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बिफोर इंडिपेंडेंस, 1929 में एस्टेब्लिश हुआ था। ICAR वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1929, हेडक्वार्टर्स दिल्ली में, सिंपल है, इट इज सिंपल, याद रखिए फैक्ट के फॉर्म में, इट इज लोकेटेड इन दिल्ली, हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली। हेलो सविता पटेल, अब यहाँ पे आपको याद रखना है ये कहाँ कहाँ काम करता है। ICAR क्या क्या करता है, रिसर्च एंड एजुकेशन, किस में, एग्रीकल्चर, किस में, हॉर्टिकल्चर, किस में, फिशरीज, किस में, एनिमल साइंस। तो एग्रीकल्चर नाम है एग्रीकल्चर काउंसिल, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, बट इट वर्क्स इन एग्रीकल्चर, इट वर्क्स इन हॉर्टिकल्चर, इट वर्क्स इन फिशरीज एज वेल एज इट वर्क्स इन एनिमल साइंस ऑल्सो। फाइन, क्लियर, एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम। किसके, क्यों, क्योंकि इसके 101 इंस्टीट्यूट है, 71 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है। इज देयर एनी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लोकेटेड नियर बाय यू, प्लीज टेल मी इन द लाइव चैट, नेम ऑफ दैट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एंड द स्टेट, आपको अगर पता है तो। वी आर गोइंग अहेड, ICAR, देखिए इस ICAR की वजह से कंपेयर्ड टू 1950, ये डाटा आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, सॉरी मेंस के लिए, दिस होल पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग इन एग्रीकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंस आंसर राइटिंग। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। अब यहां आपको देखना है 1950-51 में हम जितना फूड ग्रेन प्रोड्यूस करते थे, In 2017-18, we are producing 5.6 times the food grains of 1950. 5.6 times the food grains of 1950. Okay. Pusa, Animagun, Pusa, that is in Punjab. SKUST, JK, okay, Anisha. PU, Punjab Agricultural University, Savita Patel, okay. PJTSAU, okay, Swati, cool. अच्छा, चलिए बहुत लोगों ने बता दिया, आप देख लीजिए कौन सी यूनिवर्सिटी का आपको हेल्प होगा, OUAT, ओडिशा, BBSR, ग्रेट। अब यहाँ देखिए हॉर्टिकल्चरल या फ्रूट्स का हमारा प्रोडक्शन कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, 10.5 टाइम्स। मिल्क फिश का प्रोडक्शन कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, 16.8 टाइम्स। मिल्क का 10.4 टाइम्स और एग्स का 52.9 टाइम्स। तो देखिए 1950 से 1951 के कंपैरिजन में आज 2017-18 में हम कितने ज़्यादा फूड सफिशिएंट हुए हैं, हाउ वी एंश्योर्ड फूड सिक्योरिटी, और आज हम फ्री में फूड PDS के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं। तो इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ICAR। दिस ICAR इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, ICAR गाइज। सो इजेंट इट वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन गाइज। गाइज ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का अगर आप पार्ट होगे तो कितना आपको प्राउड फील होगा, आज इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को फूड सफिशिएंट किया है। इंडिया में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस लोगों की डेथ हो जाती थी ओनली बिकॉज दे डू नॉट हैव एक्सेस टू फूड। आज ये कंडीशन है कि फूड ग्रेन्स दे आर रॉटिंग इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाज गोडाउन्स। So this is the beauty, or these are the efforts that are taken by ICAR and the scientist of ICAR. इसी तरह guys, अगर आप एक better IAS या IPS या IRS officer बनोगे ना, तो you can make huge difference in the life of the common people. आपके पास उतना power है, आपके पास resources है, आपके पास सिर्फ will power होना चाहिए कि yes, I want to make create a difference in the life of common people. Okay? क्लियर, और इस मोटिव से अगर आप आगे जाओगे ना तो आपको लाइफ में सब कुछ मिलेगा, इफ यू हैव अ गुड मोटिव। ठीक है, सो दिस इज अबाउट ICAR। अब हम आते हैं एग्जॉटिक और इनवेजिव स्पीसीज पे। मैंने आपको एग्जॉटिक का मीनिंग ऑलरेडी बता दिया, कैन यू अगेन टेल मी इन द लाइव चैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जॉटिक स्पीसीज। एक सिंगल वर्ड में आपको मुझे लाइव चैट में बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जॉटिक स्पीसीज। प्लीज आंसर,
ओके, यू विल आंसर दिस इन द लाइव चैट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस। तो देखिए एग्जॉटिक स्पीसीज मोस्टली क्या होती है, दे आर इनवेसिव। इनवेसिव का मैं आपको मीनिंग यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, वेरी गुड मुस्कान प्रीत, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड मुस्कान। सो योर स्टडी इज गोइंग वेल, हाँ योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। Imported, imported, non-native, that word is also correct, Kapil. Non-native word is also correct. Non-indigenous is also correct, Gagan Dhillon. Okay, fine. अब यहाँ देखिए, exotic का meaning होता है non-native. Fine. अब हम आते हैं invasive पे. Invasive species is also non-native. Invasive species, it is also non-native. बट ओनली डिफरेंस ये हो सकता है, स्पीसीज दे आर इनवेजिव, मोस्ट ऑफ द नॉट ऑल, लेकिन जो इनवेजिव स्पीसीज होती है ना, इट ग्रोज ऑन लार्ज स्केल इन न्यू हैबिटेट, इट ग्रोज ऑन लार्ज स्केल इन न्यू इकोसिस्टम। इतनी ज्यादा ग्रो होती है कि दिस इनवेजिव स्पीसीज विल नॉट अलाउ नेटिव, it will not allow native species to grow, इसे invasive कहते हैं। Not all exotic species are invasive, but every invasive species is a exotic species. ये दोनों statement समझ में आ गए? देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, first statement, not all exotic species are invasive, but all invasive species are exotic. All invasive species are exotic. These are the two statements that will sum up what is exotic species, what is invasive species, and what is the difference between exotic and invasive species. Anisha, I'm not sure. मोस्ट प्रोबेबली, बट वो बहुत दिनों से इंडिया में, तो यू कैन नॉट कॉल इट एक्सॉटिक, अभी हम एक्सॉटिक उसे नहीं कह सकते। यस आयन गर्ल, यू आर करेक्ट, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था, आई होप अभी आपको उसका आंसर मिल गया। आयन गर्ल एंड आयन गर्ल, डू यू अटेंड माई अन अकेडमी सेशन? यू शुड अटेंड अन अकेडमी सेशन, ओके ओके क्लियर। सो यहां आपको बाकी डिटेल दे दिए है इन्होंने, क्या है invasive species, it is not native to a specific location, मतलब ये क्या की गई है, it is introduced in introduced species and it has tendency to spread to a degree believed to cause damage to environment, human economy and human health. हम exotic species को invasive species तभी कहते हैं when this impacts environment of that local ecosystem, it impacts economy of that local ecosystem, it impacts human health of that local ecosystem. Okay, human health of that local ecosystem. Fine. चलिए अब हम next slide पे जाते हैं. I hope now you have clear idea about exotic species and about invasive species. अब यहां आप देखिए, ये तो हमने पहला point कर लिया है, ये पॉइंट कर लिया है हमने, ये भी आप पढ़ लीजिए। अच्छा, इनवेजिव स्पीसीज कैन बी अ प्लांट और इट कैन बी एनिमल, रिमेंबर दिस, एग्जॉटिक और इनवेजिव स्पीसीज, इट कैन बी अ प्लांट और इट कैन बी अ एनिमल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स ओनली। ओके 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 दीक्षा गॉट इट, आई एम गर्ल गॉट इट, फाइन क्लियर। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखिए इनवेजिव स्पीसीज जो है या एग्जॉटिक स्पीसीज, उसकी डेफिनेशन यूरोपियन यूनियन ने क्या की, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपको सिर्फ ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड करनी है, डेफिनेशन आप अपने आप लिख सकते हो, नॉट अ बिग डील राइटिंग डेफिनेशन ऑफ इनवेजिव स्पीसीज और राइटिंग डेफिनेशन ऑफ एग्जॉटिक स्पीसीज, नॉट अ बिग डील। क्या कहा इसने, यूरोपियन यूनियन कहती है, इनवेजिव एलियन स्पीसीज आर दोज दैट आर firstly they are outside their natural distribution area, मतलब उनका जो natural area है जहां पे वो endemic थी वहां से बाहर कहीं वो मिल रही है, and second they create turn biodiversity, ये दो criteria अगर कोई species fulfill करती तो उसे
यूरोपियन यूनियन क्या आते थे, इनवेजिव एलियन स्पीसीज, एलियन बिकॉज इट इज नॉट लोकली फाउंड एंड इनवेजिव बिकॉज इट इज इट थ्रिएट्स बायोलॉजिकल डायवर्सिटी. फाइन, कभी कभी हम उनके लिए एक टर्म यूज करते हैं, नॉक्शियस वीड, वी यूज दिस टर्म नॉक्शियस वीड. फाइन, क्लियर, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, अब ये जो आपको पार्ट मिल रहा है अभी, अब तक जो मैंने एक्सप्लेन किया दैट वॉज कम्प्लीटली लिंक्ड टू द न्यूज दैट वी डिस्कस्ड, या द हिंदू में जो न्यूज आई थी उसी से वो लिंक था, थोड़े डेप्थ में गया था. लेकिन दिस कंसेप्ट ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज और इन्वेजिव वीड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी प्रिलिम्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इन प्रिलिम्स. ओके, आप मुझे लाइव चैट में बताओगे व्हाई यू एवर केम अक्रॉस दिस न्यूज, दिस नेम, आपने कभी ये नाम सुना है? प्लीज टेल मी, अगर सुना है तो कहां पे. ओके, तो दीज इनवेजिव स्पीसीज दे आर वेरी क्रूशियल और वेरी क्रिटिकल इन फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर मेंस, बट मोर इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स बिकॉज दे आर ऑलवेज इन न्यूज. द हिंदू में आपको मंथ में एटलीस्ट वंस यू विल फाइंड न्यूज अबाउट इनवेजिव स्पीसीज, दे आर ऑलवेज इन न्यूज, दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी क्रूशियल. नहीं रिया द्विवेदी, सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे 1:30 PM का क्लास नहीं होता. ओके, क्लियर. अच्छा, श्रेया श्रेया श्रेयश सिन्हा कह रहा है कि उन्होंने ये सुना हुआ है. प्लीज सर श्रेयश, कैन यू टेल मी कहां पे हमने सुना था? यस, चर्चिका ने आंसर ही कर दिया, ये प्रोसोपिस जुलिफेरा, इट वॉज ऑलरेडी आस्क्ड बाय यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, हमने इसे डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी. गाइज, we discussed this already. No, Apurva Rao, it is not touch me not plant. Okay, clear. मैंने आपको बता दिया, Prosopis julifera, it was asked in UPSC prelims previous year में ये already पूछा गया है. तो अब मैं आपको ना इंडिया में जो major invasive species या invasive plants मिलते हैं उनको introduce कराऊंगा, and that will be the end of our session. ठीक है, now we are going to go through the important इन्वेजिव स्पीसीज इन इंडिया. तो पहली आती है अल्टरनेंथेरा फिलोक्सेरॉइडिस, आपको इसका नाम बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, ये जो है इसे हम कहते हैं, कॉमन नेम है इसका एलिगेटर विड. इसका कॉमन नेम क्या है? एलिगेटर विड. अब ये इन्वेजिव स्पीसीज क्यों है? अगर हमें किसी भी स्पीसीज को इन्वेजिव स्पीसीज कहना है, if we want to call any species invasive species, what are the two criteria to qualify a particular species as invasive species or invasive weed? Please tell me in the live chat criterias. Okay, there are two criterias. So hum ise kya kehte hain, alternanthera phylloxeroides ko hum kehte hain alligator weed, and it is native to south america. It is native to South America. Okay, guys? Understood? समझ में आ गया? Shreyash Sinha, you are a plus member. This is what you are saying. And you want to join BPSC class. Or you want to take plus subscription for BPSC class. Just please clear it. Okay? ओके, आई फाइन, यस, नहीं, एक इंपोर्टेड एंड दूसरा क्या है, थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी. वेरी गुड. इन्वेजिव स्पीसीज या इन्वेजिव वीड के दो क्राइटेरिया, एक इट शुड बी नॉन नेटिव और इट शुड बी इंपोर्टेड. यस, करेक्ट, इट शुड बी आइदर नॉन नेटिव और इट शुड बी इंपोर्टेड. और दूसरा क्राइटेरिया, इट शुड क्रिएट अ थ्रेट टू लोकल बायोडायवर्सिटी. इट शुड क्रिएट थ्रेट टू लोकल बायोडायवर्सिटी. दीज आर द टू क्राइटेरियाज टू क्वालिफाई एज अ invasive species or as a invasive weed. Clear? Understood? समझ में आ गया? तो जब हम ये कहते हैं कि it is a invasive species, तो ये non-native है. Yes, it is non-native. It is from South America and it spreads. अब ये spread होती है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको image show कर रहा हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा. You can easily find this in our Indian ecosystems. ये weed आपको easily Indian ecosystem में मिल जाएगी, guys. अब अगर ये साउथ अमेरिका में से है और इंडिया में मिल रही है, मतलब ये क्या हुई? इन्वेजिव हुई. इट मींस इट इज इन्वेजिव. यस और नो? यस, इट इज इन्वेजिव. सो जस्ट लुक फॉर दिस.
अब आज के बाद अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन जब भी लॉकडाउन खुलेगा एंड वेन एवर यू आर गोइंग आउटसाइड और अगर इफ यू कम अक्रॉस एनी वाटर बॉडी, तो इन दैट वाटर बॉडी अलॉन्ग विथ वाटर वाटर हायसिंथ विच इज अगेन अ इन्वेसिव स्पीसीज, यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस एलिगेटर वेट. ओके ओके श्रेयस, फॉर दैट यू कैन डू वन थिंग, प्लीज मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल गाइड थ्रू. ओके, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हो 12:15 के बाद, आई विल गाइड यू थ्रू, डोंट वरी अबाउट दैट. फाइन, क्लियर श्रेयस, एंड यू शुड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी श्रेयस, यू हैव गुड नॉलेज. ओके, प्लीज मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप. सो दिस इज एलिगेटर वेट, क्लियर. उसके बाद कैसिया यूनिफ्लोरा, कैसिया यूनिफ्लोरा, इट इज अगेन अ इनवेजिव स्पीसीज इन इंडिया. Why it is invasive? Because first, it is native to South America again. तो पहला क्राइटेरिया क्या हो गया? Fulfill हो गया. First criteria is fulfilled. Second, ये देख लीजिए. आपने इस प्लांट को भी देखा होगा. Normally हम क्या करते हैं? You will find these plants on roadside. मैं अभी जो आता हूँ ना रोज मेरे विलेज से इस तहसील एरिया में, तो मुझे ये रोड साइड में मिलती है. Yes, everybody sees that. Sir, this cannot be eaten by any animal. गौरव ठाकुर, नॉर्मली एनिमल जो होते हैं ना, वो जो नेटिव स्पीसीज होती है उनको ईट करना प्रेफर करते हैं. जैसे ये मैंने आपको पार्थिनियम के बोला था, तो पार्थिनियम अभी हमारी कुछ काउज है जो पार्थिनियम भी ईट करती है, बट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे डोंट प्रेफर, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे डोंट प्रेफर दैट, मतलब नॉन नेटिव वीड्स को ईट करना प्रेफर नहीं करते. फाइन, क्लियर. सो दिस इज कैसिया यूनिफ्लोरा. तो हमने पहला देखा एलिगेटर वीड और अल्टरनैंथेरा फिलोक्सिरॉइड्स. दूसरा आपने देखा कैसिया यूनिफ्लोरा, दिस इज द कैसिया यूनिफ्लोरा, इट इज अ इन्वेजिव स्पीसीज. बिलास राउत, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कॉमन नेम, यू कैन सर्च फॉर दैट. कैसिया यूनिफ्लोरा का कॉमन नेम आप सर्च कर लीजिए. ओके, मोस्ट ऑफ द यस आयन गर्ल, मोस्ट ऑफ द इन्वेजिव स्पीसीज दैट आर फाउंड इन एशिया एंड आफ्रिका, दे आर फ्रॉम अमेरिकन कंटिनेंट. थर्ड है चार्मोलियाना ओडोराटा. यहाँ पे भी आप देखिए, इट इज नेटिव टू अमेरिका अगेन, लेकिन नॉर्थ अमेरिका, फ्लोरिडा और टेक्सास से ये नेटिव है. ठीक है, एज वेल एज यू कैन फाइंड दिस इन मेक्सिको एंड कैरिबियन टू साउथ अमेरिका तक, यहाँ तक ये मिलते हैं. ओके, और ये कहाँ इंट्रोड्यूस किए गए? ट्रॉपिकल एशिया, वेस्ट अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो यहाँ पे ये नेटिव नहीं थे, अमेरिका से हम उन्हें यहाँ लेकर आए. तो क्या हो गया, ये नॉन नेटिव हो गए. तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल हुआ. जस्ट चेक इट आउट, ये थोड़ा उतना क्लियर नहीं है, आप इमेजेस देख लीजिए. ये भी बहुत कॉमन है, आपको डेसिडियस एरियाज में मिलेगा, मतलब स्क्रब फॉरेस्ट होते ना, जैसे मेरे एरिया में ये मिलता है, स्क्रब फॉरेस्ट में आपको ये मिलेगा. फाइन, क्रोमोलियाना ओडोराटा, देन एकिरनिया क्रेसिपीज, इसे हम वाटर हायसिंथ कहते हैं. दिस इज वाटर हायसिंथ. अब वाटर हायसिंथ तो सभी को पता है, यस और नो? वाटर हायसिंथ क्या करती है? इट फॉर्म्स सर्फ, मतलब वो वाटर बॉडी का पूरा सरफेस ही कवर कर देती है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें जो भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है एक्वेटिक इकोसिस्टम के, दे कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस, और फिर ऑक्सीजन का भी मिक्सचर नहीं होता, तो उनकी डेथ हो जाती है. तो दिस वाटर हायसिन, दे कॉज डेथ ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम, पूरे की पूरी एक्वेटिक इकोसिस्टम को किल कर देते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द एप्को, इट्स सेना आई गेस बिलास, यस करेक्ट, स्टोन कोल्ड, यस करेक्ट, यू आर राइट, मैंने भी पढ़ा है ये सर्च करते वक्त. तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो वाटर हायसिन थे, ये मेनली आपको ऐसे वाटर बॉडीज में मिलेगी विच आर हाईली यूट्रोफिकेटेड. यस लवनीश, यू विल फाइंड दिस इन यमुना रिवर, और वही वाटर बॉडीज में मिलेगी जो अर्बन एरियाज में से पास होती है, विच मेनली पास थ्रू अर्बन एरियाज. वेरी गुड एंड थैंक यू वेरी मच सविता पटेल. गाइज रिमेंबर, वाटर हायसिंथ इज ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, इट इज ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल. तो ये हो गया वाटर हायसिंथ. ये नेटिव कहाँ का है? अगेन इट इज नेटिव टू अमेजोन बेसिन, इट इज नेटिव टू अमेजोन बेसिन. ये देखिए वाटर हायसिंथ, what a beautiful picture, no water, only water hyacinth. Is it a beautiful picture guys? No, it is not. No, it is because of eutrophication only, Jayesh. ये eutrophication की वजह से eutrophicated water bodies में ही इतने aggressively water hyacinth grow हो सकती है, otherwise नहीं. अब देखिए ये water hyacinth क्या करेगी, it will kill all biodiversity. ये पहले तो primary producers को kill करेगी उस water body से, और primary producer kill हो गए तो primary consumer kill होगी, पूरी food chain kill हो जाएगी.
होल फूड चेन विल बी डिस्ट्रॉयड. तो इट इज अ वेरी कॉमन पिक्चर इन अर्बन वाटर बॉडीज. इट इज अ वेरी कॉमन पिक्चर इन अर्बन वाटर बॉडीज. ओके, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, उदयपुर, कहीं पे भी जाइए, एवरी अर्बन एरिया में एवरी वाटर बॉडी इज कवर्ड विद दिस वाटर हायसिंथ. क्लियर? हेलो सर, आई एम सुमित कुमार. ओके, नहीं नहीं सुमित कुमार अभी नहीं होगा, डायरेक्ट अब संडे को होगा. इट विल बी ऑन संडे. ओके फाइन, चलिए आगे जाते हैं. लैंटाना कमारा, लैंटाना कमारा, इट इज अ वेरी कॉमन. ये नॉर्मली हम ना, इट इज अ इन्वेसिव स्पीसीज बिकॉज इट इज नॉट नेटिव. यहाँ आप देख सकते हो, दिस इज अगेन फ्रॉम द अमेरिकाज, अगेन फ्रॉम द अमेरिकाज. लेकिन वी नॉर्मली यूज दिस स्पीसीज एज ऑर्नामेंटल प्लांट. ये आपको गार्डन में एज ऑर्नामेंटल प्लांट मिलेगा, एज वेल एज इट ग्रोज एज अ इन्वेसिव स्पीसीज. बट इट इज नॉट एज एग्रेसिव एज पार्थिनियम, और इट इज नॉट एज अग्रेसिव एज water hyacinth. ठीक है, तो दिस इज इट. यहां आप देख सकते हो, इट इज यूज एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट. लैंटाना कैमरा, ओके, इट इज ऑल्सो ग्रोन एज हेज प्लांट. मैं आपको हेज प्लांट क्या होता है बता देता हूं. तो देन इट हैज डिफरेंट मेडिसिनल एंड प्रैक्टिकल यूजेस ऑल्सो. तो इट इज यूजफुल. लैंटाना कैमरा इज यूजफुल गाइस. तो इट इज इनवेसिव बट इट इज ऑल्सो यूजफुल. फाइन, बट इट इज नॉट एज एग्रेसिव एज अदर स्पीसीज. दिस इज लैंटाना कैमरा. दिस इज लैंटाना कैमरा. यू कैन इजिली फाइंड दिस एनी वेयर इन इंडिया. हेज प्लांट का मीनिंग क्या होता है? दिस इज हेज प्लांट, मतलब जो प्लांट एज अ बैरियर हम ग्रो करते हैं, एज अ बैरियर जिन प्लांट्स को हम ग्रो कर सकते हैं उसे हम कहते हैं हेज प्लांट. तो दिस लैंटाना इज यूज एज अ हेज प्लांट. याद रखोगे आप, हेज और हेज रो, इट इज अ लाइन, आप ये पढ़ लीजिएगा. ओके सर, प्लीज शो अगेन दिस पिक्चर ऑफ दिस प्लांट. ओके, जस्ट चेक इट आउट, लैंटाना कैमरा. दिस इज द इनवेसिव स्पीसीज विच हैज मेडिसिनल वैल्यूज एज वेल एज इट हैज इट इज यूज एज अ हेज प्लांट और हेज रो. फाइन, क्लियर? वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट. नाउ पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, इसको हम क्या कहते हैं? अगेन इट इज नेटिव टू अमेरिकन ट्रॉपिक्स. इसे क्या क्या कहा जाता है? सेंटा मैरिया कहते हैं, सेंटा मैरिया फीवर फ्यू कहते हैं, वाइट टॉप वीड कहते हैं, फेमाइन वीड कहते हैं, कैरोट ग्रास कहते हैं, कांग्रेस ग्रास कहते हैं, और गांजर घास. इंडिया में इसे कैरोट घास कहते ग्रास कहते हैं. अच्छा, इसे कांग्रेस ग्रास क्यों कहते होगी? कैन एनीबडी टेल? पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस को कांग्रेस ग्रास क्यों कहते हैं? चलिए बताइए, अगर किसी को स्टोरी पता है इसके पीछे की. ओके फाइन, इट्स ओके. अभिनव श्रीवास्तव, अभिनव यू आर अटेंडिंग अनअकैडमी 8 AM सेशंस, आप अटेंड कर रहे हो या नहीं? अभिनव, यस करेक्ट. लवनीश, कुछ भी याद नहीं रखना है रोहित. इनमें से आपको कुछ याद नहीं रखना है, जस्ट मैंने एक बार आपको पढ़ा दिया कल और परसों के टेस्ट के लिए. आप एक बार खुद इस PDF को पढ़ोगे, और द हिंदू में जब भी इनका मेंशन आएगा जस्ट रीड इट, दैट इज एज अ रिविजन. ओके, यस, इट इज कॉमन इन स्टेट्स. ओके फाइन, क्लियर? इसे बताइए कांग्रेस ग्रास क्यों कहते हैं? नो, व्हेन वी बाय वीट फ्रॉम फेमाइन. यस, 1972 में देर वॉज अ ग्रेट फेमाइन इन इंडिया एंड वी बॉट वीट फ्रॉम अमेरिका. अमेरिका ने हमें वो वीट दिया था जो वहां पे दे यूज टू गिव दैट वीट टू एनिमल्स. वो हमें वीट एक्सपोर्ट किया था उस वीट के साथ. नहीं नहीं नहीं, उस वीट के साथ ये पार्थेनियम के सीड्स आए थे, और फिर वो वीट कांग्रेस ने बांट दिया पूरे कंट्री में, और उस वीट के साथ पार्थेनियम की सीड्स भी मतलब स्प्रेड हो गई इंडिया में. और फिर ये क्या है, इट इज वेरी एग्रेसिव गाइज. दिस स्पीसीज इज वेरी एग्रेसिव एंड दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं कांग्रेस ग्रास. और दूसरा आपको पता है, इट इज ऑल्सो नोन एज गाजर घास. इसे क्या कहते हैं? गाजर घास. हमारे महाराष्ट्र में इसे हम कहते हैं गाजर गवत, गाजर गवत. ओके, घास को हम गवत कहते हैं मराठी में, और गाजर को हम गांजर कहते हैं. ठीक है सर, माई इन्फॉर्मेशन करेक्ट? हाँ भाई साहब, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है. थैंक यू वेरी मच फॉर योर एफर्ट्स राजवर्धन, थैंक यू वेरी मच. ओके, तो दिस इज पार्थेनियम. ये तो इतनी कॉमन साइट है,
इट इज सच अ कॉमन साइट. यस यस इट ऑल्सो लुक्स लाइक कांग्रेस मैन विथ व्हाइट टॉप्स. यस इट डज, इट डज. ओके दिस इज पार्थेनियम. देन प्रोसोपिस जुलिफेरा. दिस इज प्रोसोपिस जुलिफेरा. आप इसे एकेशिया कहते हो. कॉमन लैंग्वेज में हम इसे क्या कहते हैं? एकेशिया. ये आपको, और ये ना इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इट मतलब ये ग्राउंड वाटर टेबल रिड्यूस करती है. इसकी वजह से ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जाता है और ये आपको मेनली राजस्थान या फिर वेस्टर्न घाट के रेन शेडो रीजन में ही मिलेगा दिस एकेशिया. या फिर आपका इसका ऑफिशियल नाम है प्रोसोपिस जुलिफेरा. ठीक है, प्रोसोपिस जुलिफेरा. इट इज नेटिव टू मेक्सिको, साउथ अमेरिका एंड कैरेबियन. नाउ इट इज अ इनवेसिव वीड इन अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एल्सवेयर. फाइन. अच्छा डिस्को भी बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर. ओके राजवर्धन, फाइन. दिस इज प्रोसोपिस जुलिफेरा. आई होप यू नो, आपने इसे देखा होगा. और इसके बाद अब लास्ट में कैरेबियन आइसलैंड का बहुत बार मेंशन हुआ था, तो वी विल जस्ट गो थ्रू द मैप पार्ट ऑफ कैरेबियन आइसलैंड. देखिए कैरेबियन आइसलैंड जो है ये मेनली आपको मिलते हैं कैरेबियन सी में. यू विल मेनली फाइंड देम इन कैरेबियन सी. ओके, दे आर मेनली फाउंड इन कैरेबियन सी. ओके, इन कैरेबियन आइसलैंड जो है इनके वेस्ट ईस्ट में आपको अटलांटिक ओशियन मिलेगा, नॉर्थ में आपको मेनली नॉर्थ अमेरिका मिलेगा, वेस्ट में आपको सेंट्रल अमेरिका मिलेगा और साउथ में आपको साउथ अमेरिका. और इस इन चार बाउंड्रीज के बीच में जितने भी आइसलैंड ग्रुप्स है उन्हें हम क्या कहते हैं, कैरेबियन आइसलैंड कंट्रीज, और उनको हम कैरेबियन आइसलैंड कहते हैं. जस्ट एक सिंपल सा रिविजन. क्यूबा, इट इज पार्ट ऑफ कैरेबियन आइसलैंड. हैती, पार्ट ऑफ कैरेबियन आइसलैंड. डोमिनिकन रिपब्लिक, पार्ट ऑफ कैरेबियन आइसलैंड. बहामास, दे आर पार्ट ऑफ कैरेबियन आइसलैंड. प्योर्टो रिको, पार्ट ऑफ कैरेबियन आइसलैंड. गाइज, वेस्ट इंडीज भी कैरेबियन आइसलैंड में आता है. बता दीजिए मुझे कहाँ है वेस्ट इंडीज. वेस्ट इंडीज कहाँ पे बता दीजिए. प्रियंका, डू आस्क मी इन द व्हाट्सएप, आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, क्रिकेट हेल्प्स इन रिमेंबरिंग दिस स्टफ. वेस्ट इंडीज क्रिकेट. यस यस, वेस्ट इंडीज कहाँ है फिर बता दीजिए मुझे. यहाँ पे ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड, देन बर्म्यूडा. देखिए ये आपने बहुत बार सुना होगा, बर्म्यूडा ट्रायंगल, बर्म्यूडा ट्रायंगल. ओके क्लियर, फाइन. सो ये सारी कंट्रीज आप एक बार देख लीजिए, कैरेबियन आइसलैंड और कैरेबियन कंट्रीज, इन सबको हम क्या कहते हैं, कैरेबियन कंट्रीज. फाइन गाइज, देन यहाँ पे देख लीजिए बारबाडोस. बारबाडोस इट इज इन कैरेबियन आइसलैंड. ग्रेनाडा, सेंट विंसेंट एंड सेंट ग्रेनेडीज, सेंट ल्यूसिया, मार्टिनिक्यू, ये सारे नाम आपको याद नहीं रखने, सिर्फ पढ़ने एक बार. जस्ट रीड देम वंस. यस, रीड देम वंस. देखिए मैंने बोला था ना जमैका की बात आई थी, इट इज अ कैरेबियन कंट्री. नो, यूसेन बोल्ट इज नॉट फ्रॉम जमैका गाइस. नो 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 नो, यूसेन बोल्ट इज फ्रॉम अफ्रीका आई गेस. श्योर, आर यू श्योर गौरव ठाकुर, आर यू श्योर? फाइन, सो दीज आर द डिफरेंट कंट्रीज. यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट देखने, ये जो है बताइए मुझे इस्थमस ऑफ क्रा कहाँ है. इस्थमस ऑफ क्रा इज लोकेटेड, वेयर इट इज लोकेटेड, एंड इस्थमस ऑफ, और इस इस्थमस का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इस्थमस, प्लीज आंसर. ओके, नो सर, ही इज फ्रॉम जमैका. ओके ओके, आई थॉट ही इज फ्रॉम अफ्रीका. थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर इंफॉर्मेशन. ओके फाइन, ओके वेरी गुड रोहित कुमार, आई एम इम्प्रेस्ड. मलायन पेनिनसुला हमने सुंदर लैंड में देखा था, देर वॉज अ इस्थमस ऑफ क्रा. ओके, एंड दिस इज द इस्थमस ऑफ पनामा. यहाँ पे आपको पनामा कैनाल मिलेगा. फाइन, सो दैट्स इट फॉर टूडे गाइज. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टूडेज सेशन. If you have any doubts, you can ask me again. What you need to remember? You need to remember this code. Where is the Sinha? Kya naam tha Sinha ka? Guys,
Guys, you need to remember this code whenever you are subscribing to Unacademy for any examination. इससे क्या होगा, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. SKUS ये कोड यूज करने की वजह से आपको Unacademy पे क्या मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. ओके, सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस कोड. दूसरा पॉइंट, जितने न्यू स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम ये क्लास अटेंड कर रहे, श्रेयस सिन्हा, whenever you are taking subscription of BPSC, use this code SKUS, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. ओके, अब न्यू स्टूडेंट के लिए गाइज, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर. आप मुझे कोई भी डाउट अगर आपको है रिलेटेड टू एग्जाम एज वेल एज अनअकेडमी, यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप. दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर. ये जो PDF है अभी मैंने आपको पढ़ाया, दिस PDF विल बी अवेलेबल ऑन टेलीग्राम. इसलिए आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. गाइज, मेरे रेगुलर क्लास अटेंड करो. आई विल इंश्योर कि आपके साइंस टेक, एनवायरमेंट, इको एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी यू कैन सॉल्व जस्ट बाय अटेंडिंग माय क्लासेस. बाकी कुछ भी पढ़ना नहीं है आपको. नो स्वाति पटेल. नाउ 1:30 क्लास विल बी ऑन संडे. 1:30 क्लास विल बी ऑन संडे. नेक्स्ट लेक्चर विल बी टुमारो 8 AM टेस्ट. ओके, दूसरा मेरा जो टाइम टेबल है, एवरीडे एट 8 AM आई एम कंडक्टिंग फ्री स्पेशल क्लासेस फॉर ऑन Unacademy लर्निंग ऐप. कल टेस्ट है, देर इज अ टेस्ट 8 AM को Unacademy लर्निंग ऐप पे, फ्री टेस्ट है. ओके, 05. ओके सर, प्लीज टेल मी करंट अफेयर सेशन सर नेम. ये जो अभी आप हो ना बंदारू अंजी, दिस इज अ करंट अफेयर सेशन. ओके, और इस करंट अफेयर सेशन पे मैं टेस्ट कंडक्ट करता हूँ संडे या सैटरडे को Unacademy लर्निंग ऐप पे, जो फ्री होती है. ओके, देन मेरा सेकेंड सेशन होता है 11:15 AM का. ये मैं 6 days कंडक्ट करता हूँ, दैट इज फ्रॉम संडे टू फ्राइडे. ठीक है, ये प्योरली करंट अफेयर का सेशन होता है, साइंस टेक और एनवायरमेंट इकोलॉजी का. और मेरा थर्ड सेशन होता है 1:30 PM का. दिस 1:30 PM सेशन इज फॉर दो स्टूडेंट हु आर अपेयरिंग फॉर 2020 प्रीलिम्स. जिनको 2020 की प्रीलिम्स देनी है उनके लिए ये सेशन है. इट इज अ क्रैश कोर्स ऑफ 80 days. इसे हमने नाम दिया है राइज टू. ठीक है, क्रैश कोर्स ऑफ 80 days. इसमें मैं स्टैटिक भी कवर कर रहा हूँ और आपका करंट अफेयर भी कवर कर रहा हूँ. ठीक है, और ये 1:30 में भी मैं करंट अफेयर्स कवर करता हूँ. तो जो टेस्ट होती है हमारी सैटरडे को या संडे को, जैसे कल सुबह 8 बजे Unacademy लर्निंग ऐप पे टेस्ट है, आई वॉन्ट एवरीबडी ऑफ यू टू ज्वाइन दैट टेस्ट. तो उस टेस्ट में मैं 1:30 वाले सेशन में से भी क्वेश्चन पूछता हूँ, 11:15 वाले सेशन में से भी पूछता हूँ, और Unacademy लर्निंग ऐप पे 8 AM वाले सेशन में अगर मैंने कुछ पढ़ाया है तो मैं उस पर भी क्वेश्चन पूछता हूँ. ओके गाइज, सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे. Thank you very much for joining. And if you have any queries, you can ask. I am here for 1 more minute. और अगर आपकी कोई queries नहीं तो I will be leaving in a short time. Okay? I guess there is no queries.